नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त भारत में जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसके रिजल्ट पूरी तरह से आ चुके हैं। अब पिक्चर पूरी तरह से क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली हैं और जबकि विपक्ष को यानी कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इस तरह से जो भी विपक्ष है उसको सब मिला करके 234 सीट मिली है, जिसको यूपीए बोल रहे हैं। और जो एनडीए है यानी कि भारतीय जनता पार्टी की 240 सीट है और पूरी एनडीए को 292 सीटें मिली हैं और जो मेजोरिटी के लिए सीटें चाहिए वो 272 चाहिए। तो देखने में तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बहुमत मिल गया है, लेकिन इसमें अभी पेच है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें मेजोरिटी तो है लेकिन इसमें दो ऐसे सहयोगी दल हैं एनडीए में जो इस सरकार को कमज़ोर भी कर सकते हैं और हो सकता है इस सरकार को आगे चलने भी ना दें प्रॉपर तरीके से, उतने अच्छे डिसीजन लेने भी ना दें जो अभी तक मोदी सरकार ले लेती थी डिसीजन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ वो दो कौन से दल हैं और वो क्या परेशानी पैदा कर सकते हैं। जैसे एक दल है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है TDP, तेलुगु देशम पार्टी, इनके पास 16 सीट है। और दूसरी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है JDU, उसके पास 12 सीट हैं। अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये बन जाती हैं 28 सीटें और 292 एनडीए के पास कंप्लीट हैं। अगर उसमें से ये 28 सीटें कम कर लेते हैं तो फिर ये मेजोरिटी के नंबर जो 272 वहाँ से कम हो जाती है। इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाएंगे मोदी गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से। फ़ायदा क्या? अब ये अननेसेसरी डिमांड करेंगे मोदी सरकार से, मोदी गवर्नमेंट से कि आप हमें ये मंत्रालय दीजिए, आप हमको वो मंत्रालय दीजिए, साथ में आप ये काम नहीं करेंगे, आप वो काम नहीं करेंगे। इस तरह के अब ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे कि ये मोदी जी को फ्री हैंड वैसा काम नहीं करने देंगे जैसा कि लग रहा है। और किसी भी तरीके से अगर ये स्टार्ट कर लेते हैं अभी तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सरकार पूरे 5 साल काम करे। ये ज़रूर होगा कि ये बीच में टकराव ज़रूर होगा और हो सकता है कि हम लोग को देखना पड़े कि अगले साल, 1.5 साल, 2 साल में फिर से एक चुनाव हो जाए जनरल लोकसभा का, ये भी संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है दोस्तों। क्योंकि मोदी जी की अभी तक की जो राजनीति रही है उसमें उनके पास फुल मेजोरिटी रही है, पूर्ण बहुमत रहा है, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या वो केंद्र में प्रधानमंत्री बने हों, पूरी तरह से उनके पास मेजोरिटी थी तो वो अपने हिसाब से काम कराते थे पूरी तरीके से और हर तरह का डिसीजन लेते थे, बोल्ड डिसीजन लेते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि मेजोरिटी से 32 सीट्स पीछे रह गई है भारतीय जनता पार्टी और इनके पास जो दो बड़े सहयोगी दल हैं वो 28 सीट रखते हैं, बाकी जो दल हैं वो छोटी छोटी पार्टियां हैं, किसी के पास 7 सीट हैं तो किसी के पास 5 सीट हैं तो किसी के पास 2 हैं तो कोई एक ही सीट के साथ है, इस तरह से हैं। तो ये मोदी जी के लिए अब बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात होगी कि वो काम को कैसे करेंगे। दोस्तों, इससे देश का नुकसान होता है। अब मोदी जी जो प्रधानमंत्री थे, अभी भी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है लेकिन वो केयर टेकर प्रधानमंत्री अभी भी हैं। दोस्तों, इन्होंने एक गारंटी दी थी चुनाव के समय कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है इस जो नया टर्म स्टार्ट होगा उसमें। अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है विश्व में भारत को, तो उसके लिए तो फैसले भी वैसे लेने पड़ेंगे, काम भी कुछ वैसा ही करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ों के साथ कुछ इंटरनेशनल रिलेशन भी हमारे ख़राब हो सकते हैं। जैसे कि अभी हम खुलकर इजराइल का समर्थन करते हैं लेकिन जब कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाएगी तब हम खुल के मोदी जी इजराइल का समर्थन शायद नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कोएलिशन में इनके पार्टनर होंगे, जो अलायंस हो गए, जैसे कि TDP हो गया, TDP के बाद JDU हो गई, ये तुरंत कहेंगे कि आप इसराइल को समर्थन मत करिए क्योंकि इसराइल की लड़ाई वहाँ पर मुसलमानों के साथ हो रही है और मुसलमान यहाँ पर भी हैं
तो इनका वोट बैंक इम्पैक्ट कर सकता है, इसलिए मोदी जी को रोकेंगे। अब वो क्या सही है क्या गलत है वो अलग बात है, लेकिन अभी जैसे हमास ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, मोदी जी ने एक सिंपल सा ट्वीट किया कि वी स्टैंड विद इसराइल। उन्होंने साफ लिखा कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं बिना टाइम लगाए बिना संकोच के, लेकिन शायद अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं होंगी। ऐसे ही जब यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हो रही थी तो भारत ने इसराइल के अगेंस्ट वोटिंग नहीं करी थी, बल्कि वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था, बाहर आ गया था। लेकिन अब शायद ये कर पाना मुश्किल होगा, अब इसराइल के अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा मोदी सरकार को। तो अब ये देखने वाली बात होगी, बहुत ही चैलेंजिंग होगा। ये मोदी जी को ताज तो मिला है, लेकिन लगता है शायद ये कांटों भरा ताज है। अब देखना ये होगा कि मोदी जी अपनी कुशलता से इसको कांटों भरा ताज ही रहने देते हैं, या अपनी कुशलता दक्षता दिखाते हुए इसको फूलों का ताज बना लेते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। अब इस पर जो भी अपडेटेड और डेवलपमेंट आती रहेगी, मैं आपके लिए टाइम टाइम पर अपडेटेड वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।